Hi guys, welcome back to our channel. Welcome to Evie and Nana's vlog. और सुबह हो चुकी है, हम उठ चुके हैं, मैं फ्रेशन अप हो गई हूँ और 9 बज रहे हैं अभी. और एज यूजल ऑफिस जाना है. ऑफिस जाने के लिए हमें क्या क्या करना होता है अभी ऑफिस के लिए. अब खाना वाना बनाना है, ब्रेकफास्ट करना है, लंच की तैयारी करनी है. बलू है, अशु, ऑस्कर, गुड मॉर्निंग बिट्टू, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मेरा बच्चा पारी नूनी. दिखाते हैं नानू क्या कर रही है. नानू भी उठ रही है एक्चुअली. सो लेट्स गो. गुड मॉर्निंग नानू. नानू सब्जी काट रही है. गुड मॉर्निंग. तो नानू कट कर रही है सब्जी, क्योंकि बनानी है मेरे को, सब्जी बनानी है, रोटी बनानी है और ब्रेकफास्ट की तैयारी तो नानू करती है. और फिर हम दोनों निकल जाएंगे. कौन चाहिए उन्होंने को? ऊपर आओ. आशु को ना विंडो पे देखना है. कैसे देखोगे विंडो पे? मम्मा उठा लेगी क्योंकि आशु को अब. तो हम खड़े होते हैं ऐसे और आशु को यहाँ से विंडो से बाहर दिखाते हैं. आशु मजे आ रहे हैं? ये लड़की हमारी सुबह सुबह बहुत सारा काम करती है. ये देखो इधर रोटी का एकदम गोल गोल रेडी और यहाँ पे सब्जी भी तैयार. लंच तक की तैयारी पूरे के पूरे 15 मिनट में कंप्लीट. क्या क्या बनाती है? देखो 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 तो सही. हम हो चुके हैं तैयार और जा रहे हैं ऑफिस. हम हो चुके हैं तैयार, जा रहे हैं ऑफिस. अब तुम भी ये लाइन रिपीट करो. हम हो चुके हैं तैयार, जा रहे हैं ऑफिस. मैं अभी ना ऐसे नॉर्मल बोलूंगा क्योंकि सबने मुझे बोला मैं बहुत ओवर एक्टिंग कर. मैं भी ओवर एक्टिंग करती हूं गाइस. ओवर एक्टिंग प्लस ओवर एक्टिंग इक्वल टू कट. इट्स इक्वल टू डबल ओवर एक्टिंग ब्रो. नहीं वो होता है ना प्लस प्लस माइनस 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 प्लस समथिंग ऐसे कुछ. मैं लिपस्टिक लगा. हम ऐसे करेंगे. चलो पसीने है तेरे को? हां गर्मी लग रही है मेरे को. तुमको ब्रश कर देती हूं मैं. ओके तो हम हो चुके थे नानी. हां नानी. तो चलो यार चलते हैं अभी शाम. पता नहीं ऑफिस का तो कुछ दिखा नहीं पाएंगे क्योंकि टाइम नहीं मिलता. घर आके मिलते हैं आपसे. मैं पहुंच चुकी हूँ घर. हेलो जालो. तो मैं पहुंच चुकी हूँ घर. अब मैं जरा अच्छे से सब चेंज वगैरह कर लूँ, फिर आराम से थोड़ी गपशप करेंगे. प्लान ऐसे हमारा कुछ था नहीं. अभी अचानक से हमारा प्लान हुआ है. जा रहे हैं हम अपने सेकंड होम इन ऑर्बिट मॉल. हाँ तो जो लोग पूछते हैं कि हम कहाँ रहते हैं, इन ऑर्बिट मॉल सर्च कर लो. उसके बहुत नजदीक रहते हैं तो उसके पास ही हैं हम. एनीवेज हम लोग जा रहे हैं कुछ सामान लेना एक्चुअली कुछ. और वहाँ पे कुछ अच्छा एक्साइटिंग सा दिखा तो आपको भी दिखा देंगे. गाइस हम यहाँ पे आए हैं शॉपिंग करने के लिए. हमने ले लिया है सामान जो हमें लेना था. एक्चुअली हमें गिफ्ट लेना था जो ऑलरेडी हम बता चुके हैं. उधर से आ नहीं रहा था. ये उधर से नहीं आ रही तो इधर आ रही. ये गंदी लड़की है ना, बताओ सब बताओ. ये गंदी लड़की है ना. अब हम कहाँ जा रहे हैं? हमने कुछ ले लिया. कहाँ जा रहे हैं? नीचे. अभी कहीं और यहाँ से निकलते हैं. हमारे दूसरे घर की शॉपिंग हो गई. नानू की ओवर एक्टिंग गाइस देख लो. फोन गिर जाएगा मेरा. फोटो सेशन करवाने के लिए ऐसे कर दिए, ऐसे ऐसे चल रहे हैं. हम यहाँ पे हम फोटो खींच रहे थे इसकी. ओके यस ये वाला पोज, ये वाला पोज, ये बस यहाँ पिज्जा खाने. सो हम आए पिज़्ज़ा खाने और ये रोड साइड वाला पिज़्ज़ा है. तो आज हम ये देखने वाले कि कैसा होने वाला है. और आप लोग सोच रहे होंगे बाहर का कितना खाते हैं, पर ये कुछ टाइम के लिए है. दिवाली के बाद सब बंद हो जाएगा क्योंकि इसका भी बंद हो रहा है. बेटा तुम्हारा भी बंद हो रहा है. इसका वेट बढ़ाने के लिए एक डाइटिशियन से बात कर लिया है. नहीं ऐसे कैसे खाऊंगा? देख लो गाइस ऐसे करके तो ऐसे पतली की पतली रहेगी, मोटी नहीं होगी. मैं इसे और कुछ नहीं कर सकती. अब इसके लिए इतना भी करो तो भी इसको ऐसे करना है तो फिर कुछ नहीं कर सकते. ये चुड़ैल है. तो ऑर्डर तो अच्छा मुझसे तो नानू करी मम्मी से बात.
ये हमारी मॉम है, मतलब मेरी नानू की मॉम है और मेरे की मॉम है। जय माता दी। उनकी मॉम से बात हो रही थी तो वो हो गई है। अब तो हम खाएंगे पिज्जा और देखते हैं, दिखाते हैं हमको कैसा है ये पिज्जा। मैं जैसे मैं ऐसे नर्डी लग रही हूँ एकदम। गाइस ये बहुत सुंदर सा पिज्जा दिख रहा है, हमने मंगाया। मुझे लग नहीं रहा कि हम पूरा खा पाएंगे। और नानू टेस्ट करके बता दो फटाक से। अच्छा ठीक है, या फिर हम खा लेते हैं बाद में बता देंगे। हाँ ये भी ठीक है ना। हाँ सो गाइस हम खा लेते हैं, भूख लग रही है क्योंकि टाइम हो गया है, 10 बज गए हैं ऑलरेडी। और खा लेते हैं फिर, खा के थोड़ी देर आपसे बात गपशप करेंगे, तो बने रहे व्लॉग में, आगे देखिए क्या बातें होने वाली हैं। खाना वाना हो चुका है हमारा, और खाना के बाद हम ना एक सीरीज देखने बैठ गए थे नेटफ्लिक्स पे, हम देख रहे हैं वॉचर। और इन्हें देखो ये दोनों क्या कर रहे हैं यहाँ पे, गपचुप 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 गपचुप। तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं, और ये हमारी परफेक्ट फैमिली हो गई मैं। अच्छा परफेक्ट फैमिली कौन है? तेरी दीवानी दीवानी, तेरी दीवानी दीवानी। हम दिख रहे हैं, हम दिख रहे हैं इधर, गाइस हम वहां दिख रहे हैं। गाइस ये बेड आ रहा है बीच में, हम ऐसा टेढ़े वाला पोज भी कर सकते हैं। देखो कितना सही दिख रहा है, बस डरावने लग रही है। विंडो पे पहुंच जाता है नोनी पोनी। ओके गाइस सो अभी ऐसा कुछ है नहीं करने के लिए, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, हम बस सोने। किस बारे में नॉटी हो रही है नानू, किस बारे में बोल रही है? किस बारे में करने जाएंगे आप? क्या कभी कुछ नहीं आते तो ऐसा होता है कि वीडियो मैं ही अकेले बना रही हूँ, मैं ही बोल रही हूँ, मैं ही कर रही हूँ सब कुछ, इसलिए फिर मुझे गुस्सा आ जाता है इसके ऊपर, फिर मेरी लड़ाई हो जाती है ऐसे, क्योंकि ये बैड गर्ल है। अब फिर लड़ाई हो जाती है, नानू है बैड गर्ल, आज का टाइटल यही है। देखो आप देखो टाइटल में नानू बैड गर्ल है। से बनी नानू बैड गर्ल, आइए जानते हैं नानू बैड गर्ल बनी है सिर्फ मेरे लिए। नानू बोलो क्या कह रही थी तुम? मैं कह रहा था किस बारे में? पता नहीं, पता नहीं, यही तो बात है, कभी पता ही नहीं होता। लो मैं पकड़ लू तुम्हारा हाथ में दर्द हो गया होगा। कोई बात नहीं, थोड़ा मैं पकड़ तो फिर तुम पकड़ लेना, फिर मेरे हाथ में दर्द हो जाएगा, फिर मैं बोलूंगा तुम्हारा फोन भी हैवी है, मार दूंगा मैं। गाइस देखो इसको ना, ऐसे ऐसे नेल्स है मेरे, और ये नेल्स ऐसे ऐसे करो ना इसको, मार दूंगा मैं, बोल रहा हूं मैं, मार देना है। अच्छा मैं दूसरा हाथ दिया, देखो ये उसने मेरे नोज का कर दी ना, आज मैं इसको बताती हूं। ये देखो ये प्यारे से नेल्स है मेरे, रियल नेल्स, और इनको ऐसे ऐसे लग जाएगी आंख में, बता रही हूँ इसको ना ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे बहुत खतरनाक है वीडियो, मेरे बाल तो ले गई अपने साथ, ऐसे करो ऐसे, देखो प्यार तो मेरे मुंह से बाल टा मार दूंगा मैं, नाच खाएंगी बहुरा आ जाते हो का। हमारी लड़की गाना गाती है डिंग 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 डिंग, बैठे जाने चल जो किसे लीजिए, देखो देखो कुछ हुआ हुआ कुछ इश्क के कुछ करो ना, मिल गया हाथ छोटा वो दूसरा, आप लेती मुद्दे सुन ली, मेरे पास तो दूसरा हाथ है ना, कर लो तुम कोई बात नहीं, कर लो अब तो तुम गई, अब तो तुम गई। मैं इसको टेढ़ा मेढ़ा कर दूंगा, मैं बोल रहा हूँ तू ऐसे मोटी गंदी सी दिखेगी फिर, कोई बात नहीं। गाइस कंट्रोल कर रही है अपने, अपनी चीजें कंट्रोल कर रही है, कंट्रोल कर रही है, देखो ओके कर ले, ओ सॉरी यार क्या कर रही है तू, जा नेल से खुजली कर रही जी, यहां पे पीठ में कर दे, पीठ पे खुजली हो रही है, मार दूंगा देखो 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 देखो, मैं मार दूंगा, ले अपने मुंह को ही ले ले बस, हट जा। नाक किसने सीधे नहीं करी मेरी, बताओ कर तो ली तुमने, टेढ़ी क्यों करी? तू वेट कर रही थी कि कब मेरा हाथ हटे और फिर मैं सीधी करूं। तो ये हमारी फालतू की बातें चलती रहती है गाइस ऐसे ही, और अब हम मतलब आते ही हैं ऑफिस आने के बाद, खाना वाना खाते हैं, कुछ काम करते हैं, फिर टीवी देखते हैं, फिर अपने पूरे दिन का ऑफिस का कुछ कुछ चीज़ होती है वो एक दूसरे से शेयर करते हैं,
और फिर शेयर करने के बाद रात को सोने से पहले बहुत ज्यादा स्क्रॉल करते हैं इंस्टा यूट्यूब और पता नहीं क्या क्या अतरंगी चीजें देखते रहते हैं। मैं बताती हूँ, सोते सोने जब सोने को जा रहे होंगे 12 बज रहे होते हैं, ठीक है, कि हम सोने जाते, चल ये बोलती चल बंद कर दे लाइट, सो जाते हैं, जबरदस्ती मेरे से बंद करा दिया फोन, तो मैं भी नहीं लाइट बंद कराती, लेट जाते हैं दोनों, फिर फोन उठा लेते हैं दोनों और फिर स्क्रॉल करते करते कब एक बज जाते पता ही नहीं चलता। और वो स्क्रॉल भी क्या करता है कुछ नहीं पता होता, वो पता नहीं, वो ना आधा घंटा और वो एक घंटा पता नहीं कैसे निकल जाता है, समझ ही नहीं आता कि कैसे वो टाइम खत्म हो गया, देखते हो और एक बज के फिर एकदम से ना सीधा फिर मैं बंद ही कर देती हूँ फोन, मेरा तो रात को फ्लाइट मोड पे रहता है, फिर अचानक से उसको याद आ जाता है, ओ लेट हो गया सुबह जल्दी उठना है, फिर सुबह कल सुबह खाना भी नहीं बनाना, सुबह क्या खाएंगे, कुछ भी खा लेंगे, वो तो छोड़ो, तो बस यही होता है हमारा, तो ये है हमारा दिनचर्या, और बट नाना तो बैड गर्ल है ही। मैंने क्या किया इसमें? तुम बैड गर्ल ही हो ना, क्योंकि अच्छी लड़की तो नहीं हो ना। और तू क्या? मैं तो गुड गर्ल हूँ। कोई कहता है अपोजिट अट्रैक्ट्स, तो यहाँ बैड और गर्ल गुड गर्ल मिलेंगे तभी तो अपोजिट अट्रैक्ट होंगे ना, तुम गुड बन जाओ मैं बैड बन जाती हूँ, ना मुझे ना गुड बनना ना मुझे बैड बनना, मैं न्यूट्रल, तुम चीनी बन जाओ गुड़ नहीं बनना, तो चीनी बनोगी मुझे हनी बनना है, शहद बनेगी, शहद बनना, इसको मतलब हार्ड मतलब सॉलिड चीज नहीं बनना, इसको लिक्विड बनना है, गुड़ भी लिक्विड हार्ड होता है और चीनी भी हार्ड होती है, मतलब सॉलिड होती है, ये मतलब कितना पकाएगी तू, तो ये आज ये लोग बनेगी, आज ये लोग अच्छे लेवल का पकाने वाले हैं गाइस, तुम पकड़े हो क्या? अरे मैं एक बात तो बोलना ही भूल गई, ये बात बतानी थी मुझे कि मैं ना आज नानू से ये पूछ रही थी कि नानू तुम डूला बनोगी कि दुल्हन बनोगी और वो दुल्हन और दूला नहीं, डूला और दुल्हन, तो नानू ने बोला पता नहीं क्या, तो ये आप पूछ लेना नानू क्या बनना चाहते, नानू ने इसका आंसर नहीं किया, ठीक है, तो डूला दुल्हन में से नानू क्या बनना चाहती है तो वो पूछेंगे, क्या किसमें से डूला किसमें से डूला दुल्हन में से किसमें, सॉरी समझा नहीं, डूला दुल्हन बिना ऐसे बोले बिना ऐसे बोल के गा ना एक बार बिना ऐसे मेरे हाथ इधर है, एक हाथ मेरा कैमरा है, ठीक है, इसके साक्षात हूं मैं कि मैं इसको नहीं हंसा रहा, एक बार बिना ही ले बोल के दिखा, बिना ऐसे बिना ऐसे बिना ऐसे okay. अच्छा देखे सर उधर उधर देख सामने मिरर है हमारे, और वहां पे अगर मैंने इसको देख लिया तो मुझे मेरी हंसी कंट्रोल, उधर देख के बताइए मुझे एक बार वापस से क्या वर्ड क्या थे, वर्ड क्या थे, डूला डूलन बिना हंसे उधर देख के चल लंबी वीडियो हो जाएगी, चलो बंद कर देता है पूरा 1.2 पे डाल दियो इसको, नहीं ये तो मजे की बात है, आगे का 2.2 पे डाल दूंगी ओके सीरियस में डूला डूलन मोटी लग रही होंगी, मैं कुछ नहीं कर सकती यार, इतना ही हाथ है मेरा, पकड़ लेती हूँ, कोई बात नहीं थोड़ी देर, तो अगर आप इस वीडियो में क्वेश्चन करोगे कि मुझे डूला बनने की डूलन, तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि मुझे डूला बनने की डूलन बननी है, ठीक है, तो गाइस कमेंट करके बताओ कि नानू, पूछो नानू से कि नानू डूला बनना चाहती है कि डूलन, ठीक है okay. तो यहाँ पे करते हैं ये वाला व्लॉग एंड डूला डूलन पे, और शुभ रात्रि, गुड नाइट, शब्बा खैर, एंड ये जस्ट अरे हाँ टाइमिंग भूल गए बताना, टाइमिंग भी ठीक है, और हाँ आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन किए लास्ट वीडियो पे, उस सारे क्वेश्चन का आंसर हम ट्राई करेंगे देने का next, मतलब जो भी व्लॉग बनाएंगे आने वाले वीडियोस में, हाँ बट अभी नहीं है, तुरंत में नहीं मिल जाएंगे, तब तक और क्वेश्चंस करते रहो, थोड़े ज्यादा क्वेश्चन, नहीं नहीं वो छोड़ो अभी, तो ये टाइमिंग थोड़ा चेंज हुआ है एक्चुअली, 8 बजे का टाइम हम दोनों को सुटेबल नहीं हो पा रहा था, कुछ रीजन है, तो इसलिए 8 बजे नहीं आएंगे, तो टाइमिंग क्या रखे जल्दी बताओ, आफ्टरनून का रखते हैं, नहीं टाइम बताओ 4 बजे सही रहेगा, वो टी टाइम होता है, कोई टी टाइम नहीं होता हमारा, कभी भी होता, कोई बात नहीं, 4 इज ओके, तो अब से 4 बजे व्लॉग्स आया करेंगे दोपहर में, और विच इज नाउ अ फिक्स टाइम, 4 बजे ही आएंगे, अब कोई ऊपर नीचे नहीं होगा टाइम, एक्चुअली हमने अभी, मेरे को स्केड्यूल करने नहीं आता, वो मैं सीख लूंगी नानू से, तब मैं स्केड्यूल करके डाल दूंगी, तो जब तक मैं व्लॉग मेरे फोन में बन रहे हैं तो वो 4 बजे के आसपास आएंगे,
सीन बन गया मेरे, तो 4 बजे के आसपास, मतलब 4:05, 4:10 तक आ जाएंगे, तो 4 बजे ही समझ लो अब हमारे ब्लॉग्स आएंगे। अब यहाँ पे करते हैं ये वाला ब्लॉग एंड। गाइज डू लाइक शेयर एंड कॉमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल इवी नानू चैनल। डिस्ट्रैक्ट मत करना मेरे को पागल। गाइज डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, इट्स इवी शर्मा सुनन और नानू एंड आवर बेबी ऑस्कर डायरीज। सो गाइज गुड नाइट, हैव अ गुड नाइट एंड गुड डे टू। टूडल्स टूडल्स। Thank you.